हेलो फ्रेंड्स, दीपा न्यू आर्ट्स क्ला में आपका स्वागत है। आज हम आपको ये सादा ब्लाउज की स्टिचिंग बताएंगे। तो देखिए, हमने कपड़े की कटिंग कर ली थी, उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर ली है। बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड किया है कटिंग की, आप उसको देख के आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, ये सारे पार्ट से हमारे बैक पार्ट और स्लीव और फ्रंट पार्ट है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट को लेंगे। तो जो मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, तो वहाँ से हम टक्स की पहले सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे पकड़ के हम पहले एक टक्स की सिलाई लगाएंगे, ऐसे हम सारे टक्स की सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, सादा ब्लाउज में चार टक्स होते हैं, इसीलिए इसको फोर टक्स ब्लाउज भी कहते हैं। तो इसको हम चारों टक्स को अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने चारों टक्स की सिलाई लगा ली है। अब हम ऐसे ही दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। देखिए, तो हम ऐसे ही देखिए कितनी अच्छी कटोरी बनी है हमारी फोर टक्स ब्लाउज में भी। तो हमने दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो दोनों की कटोरी बहुत ही परफेक्ट बनी है। तो हम ये पट्टियाँ लेंगे, ये हमारी बटन पट्टी और चांद पट्टी के लिए होगा, क्योंकि हम इसमें हम बटन लगाएंगे। तो हम यहाँ पर सीधे पट्टी को रखेंगे, उसके ऊपर सीधे हम ब्लाउज़ को रखेंगे, फिर नीचे से एक सिलाई लगाते हुए हम पूरा अच्छे से इसको सिल लेंगे। उसके बाद हम पलट के ऊपर की तरफ ला के सिल लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजीली आप इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो बड़ा है हम उसको कट कर लेंगे। तो फिर यहाँ पे हम बैठने वाली सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम आगे की तरफ मोड़ के सिल लेंगे। तो देखिए, हमने इसको बना लिया है। अब हम चांद की पट्टी को बनाते हैं। तो इसमें पट्टी हम ऊपर की तरफ से लगाएंगे और हम पट्टी को उल्टा रखेंगे। तो देखिए, इसको हम ऐसे ही हल्का सा मोड़ के हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हमें पट्टियाँ लगानी है, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है इसमें। तो देखिए, हम इसको ऐसे ही सिल लेते हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे, और थोड़ा पट्टी चौड़ी है तो हम इसको भी पतला कर लेंगे, क्योंकि बीच से हमारी थोड़ी कट गई है। तो देखिए, यहाँ पे कटी है। तो हम ऊपर से बैठने वाली सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद हम इसको फोल्ड करके अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, पहले हम एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। तो आप चाहे तो कच्ची सिलाई लगा के तुरपाई कर सकते हैं, नहीं तो आप पक्की सिलाई लगा सकते हैं। तो इसको हम सिलाई लगा लेंगे पूरे अच्छे से। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कितनी अच्छी कटोरी बन गई है बिना कटोरी के फोर टक्स ब्लाउज में। तो देखिए, इतना बड़ा आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा कट कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, अगर जो बड़ा साइज़ होगा उसको हम कट कर लेंगे। तो ये हल्का सा बढ़ रहा है, तो इसको हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने कई सारी वीडियो डाली है कटिंग की, आप उसको बिना इंच टेप की और इंच टेप के भी। तो देखिए, यहाँ पर हम मोड़ के हल्का सा एक बार फोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे, और इस पर हम तुरपाई कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा वन साइड का कपड़ा है, ये कभी खुलता नहीं है। तो इसलिए आप इसको ऐसे ही एक बार फोल्ड करके तुरपाई कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, आप एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के अलग से पट्टियाँ जोड़ के बना सकते हैं। तो हमें दोनों ऐसे ही तैयार कर लेनी है। तो देखिए, हमने दोनों को तैयार कर लिया है कितनी आसान तरीके से। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और उसमें जो हमारा टक्स है उसको लगा लेंगे, और नीचे की तरफ मोड़ के कटिंग कर लेंगे। तो आप गला चाहे और भी बढ़ा सकते हैं बाद में भी। तो देखिए, यहाँ पे हम जो निशान लगाए हैं इसको ऐसे ही, क्योंकि फोर टक्स ब्लाउज का चाहे कोई भी बैक साइड का होता है पार्ट, उसमें हम दो टक्स लगाते हैं। तो ऐसे ही हम दोनों टक्स की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमें नीचे का कपड़ा ऐसे एक बार फोल्ड करके इस पर दोनों टक्स की सिलाई हम ऐसे ही लगा लेंगे। फिर एक बार जो नीचे का है इसको भी हम एक तरफ फोल्ड करके ऐसे ही सिलाई लगा देंगे, उसके बाद हम तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए, हमने सिलाई लगा कंप्लीट कर लिया है, बैक साइड का पार्ट भी हमारा तैयार हो गया है। ये चाहे तो आप एक बार और फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर स्लीव ले लिया है, एक बार फोल्ड किया, फिर एक बार और फोल्ड किया है, इसको ऐसे ही हम सिल लेंगे।
कच्ची सिलाई में, फिर हम इसको भी तुरपाई कर देंगे। आप चाहें तो पाइपिंग वगैरह भी लगा सकते हैं, क्योंकि गले में हम पाइपिंग लगाएंगे स्लीव में नहीं। तो हम ऐसे ही पूरा सिल लेंगे दोनों स्लीव को। तो देखिए हमने स्लीव को तैयार कर लिया है। ऐसे ही आपको दोनों स्लीव तैयार कर लेने हैं। तो मैंने दोनों स्लीव को तैयार कर लिया है। तो देखिए मैंने हाफ इंच का अंदर की तरफ बुला दिया है, कटिंग में मैंने बता रखी है। तो हम सारे पार्ट को लेंगे, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को। तो हम पहले शोल्डर को ज्वाइन कर लेते हैं। तो शोल्डर की ज्वाइन करने के लिए हम हाफ हाफ इंच का मार्जिन देते हुए शोल्डर पर दो सिलाई लगा लेंगे, और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा आएगा उसको हम कट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर हाफ हाफ इंच का मार्जिन देंगे, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद हम तो देखिए हमने इस पे भी सिलाई लगा लिया है। तो हमें शोल्डर पे ये सब जगह डबल सिलाई लगा लेनी है। तो इसको हम डबल सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए हमने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। ये हमारा आर्महोल है, तो जो छोटा बड़ा होगा, क्योंकि हमने टक्स का वो जो कपड़ा लगा लिया है फ्रंट पार्ट पे, तो ये बराबर होना चाहिए। तो उसके बाद हमें जो बड़ा दिखेगा उसको हम कट कर लेंगे। अब स्लीव को लेंगे, ऐसे हम उल्टे की तरफ रख के, सॉरी, एक पार्ट को सीधा रखेंगे और स्लीव को उल्टा रखेंगे। उसके बाद ऐसे हम हाफ हाफ इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। तो हमें ऐसे घुमा के सिलाई लगाते जाना है, कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है, क्योंकि नहीं तो हमारा स्लीव बीच में सिकुड़न आ जाएगी। बस ऐसे ही हम पकड़ के इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। और हमें यहाँ पे भी डबल सिलाई लगा लेनी है। तो फिर हमें ऐसे पलट के उसके बाद हम यहाँ पे एक और सिलाई लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने डबल सिलाई लगा के स्लीव को तैयार कर लिया है। अब दूसरे स्लीव को भी हम ऐसे ही लगा लेंगे। तो देखिए हमने दोनों स्लीव को लगा लिया है। अब बीच में हम पाइपिंग लगाएंगे। तो मैंने पाइपिंग की पट्टी ली है, तो इसको हम एक तिरछे में रख के ऐसे हम सिल लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने कटिंग की वीडियो डाल ली है, मैंने कई बार बताया है, आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो सिलाई है उसको हम दोनों को ऐसे एक आगे एक पीछे की तरफ नाखून से दबाते हुए मोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम एक तरफ सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम गले में पाइपिंग लगाएंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसको हम पार्ट को लेंगे, ब्लाउज़ को यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे रख के, फिर नीचे की तरफ यहाँ पे हम ऐसे मोड़ देंगे हाफ इंच। उसके बाद हम दो पॉइंट की दूरी पे सिलाई लगाते जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पाइपिंग मोटी हो जाएगी। तो हमें एक चाप जो होता है मशीन का वो हम रखेंगे, और उतना ही हमें सिलाई देना है, ज़्यादा सिलाई नहीं लेना है इसमें। तो हमें ऐसे पूरे ब्लाउज़ में सिलाई लगा लेनी है। और ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि नीचे का या ऊपर का कोई भी कपड़ा छूटना नहीं चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, नहीं तो पाइपिंग लगाने में कपड़ा खुल जाता है। तो हम ऐसे घुमाते हुए इसको अच्छे से पूरे सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पाइपिंग बनाने की भी वीडियो डाल रखी है अलग से, आप उसको भी देख सकते हैं। और इसमें मैं पूरी बता रही हूँ वीडियो पाइपिंग लगाने की। तो देखिए, आप आसानी से पाइपिंग लगा सकते हैं, वो भी खूबसूरत पाइपिंग। तो देखिए, यहाँ पर हम सिलाई लाएँगे और जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है कट कर लेंगे, और नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई को पक्की कर लेंगे। और हम बीच में छोटे छोटे कट लगा देंगे, जहाँ जहाँ गुलाई है हम वहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे, पूरे ब्लाउज में नहीं लगाएंगे, तो हमारी गुलाई अच्छे से बनेगी। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने छोटे छोटे ऐसे ही कट, तो हम पाइपिंग को ऐसे खोल लेंगे, फिर ऐसे नीचे की तरफ मोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है, पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं चलनी चाहिए, हमारी सिलाई ब्लाउज़ के ऊपर होनी चाहिए, नहीं तो पाइपिंग हमारी ख़राब दिखेगी। तो हमें देखिए हमने कितने अच्छे से पाइपिंग बना लिया है। और ऐसे ही ऊपर से सिलाई लगाते जाएँगे और बनाते जाएँगे। तो देखिए, आपको बिल्कुल भी ऊपर सिलाई नहीं लगाना है, इससे कि हमारी पाइपिंग ख़राब हो जाएगी। अब मैं पूरी पाइपिंग लगा के दिखा रही हूँ आपको, जो बहुत ही इजीली आप लगा सकते हैं। और बहुत
तो फ्रेंड्स हम ऐसे ही पाइपिंग पे सिलाई लगाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नई वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन को क्लिक करें। और हमें देखिए, हमें पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं चलानी है। देखिए हम कितनी बारीकी से सिलाई चला रहे हैं और हमने पूरे पाइपिंग को कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए ब्लाउज़ हमारी लगभग कंप्लीट हो गई है, आप देख लीजिए कितनी अच्छी पाइपिंग बनी है। थोड़ी मोटी पाइपिंग हमने बनाई है ताकि इस ब्लैक कलर के ऊपर खिल जाए। तो हम अब यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम सीधे की तरफ ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे एक हाफ, मतलब जितना हमारा कपड़ा होगा उस हिसाब से साइज़ पे हम सिलाई लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम उल्टा करेंगे, उसके बाद सिलाई लगाएंगे। ऐसे हम सिलाई लगाने के बाद हमें इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं होती है और ब्लाउज़ के हमारे जो कपड़े होते हैं खिसकने की भी डर नहीं होती है और कपड़ा खुलता भी नहीं है। तो देखिए हम पहले ऐसे सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम पलट के, तो हम दोनों तरफ ऐसे सिलाई लगा लेंगे। फिर हम अंदर की तरफ पलटेंगे उल्टा की तरफ, फिर उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। तो हम दोनों की तरफ ऐसे सिलाई लगा के, तो देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे दोनों तरफ सिलाई लगा लिए हैं। तो इसको हम उल्टा करेंगे अब। तो देखिए इस साइड से हमारी फिनिशिंग एकदम दिखेगी और हमें हमारा कपड़ा खुलने की भी डर नहीं होता है। इसलिए आप कभी भी इस फिटिंग की सिलाई करें, ब्लाउज़ हो तो उसमें ऐसे ही सिलाई लगाएं। तो अब हमारा जितना मैंने फिटिंग की लाइन सिलाई निशान लगा लिया है, सीधे उसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो हमें कोई भी कपड़ा खींचना नहीं है, नहीं तो हमारा बैक साइड और फ्रंट साइड का पार्ट छोटा बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ी दूर के हाफ इंच के मतलब करीब में इसमें दो तीन सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा जो अगर ब्लाउज़ में कम ज़्यादा हो लूजिंग और लूज़ हो तो उसको हम टाइट कर लेंगे, और अगर टाइट हो तो उसको हम खोल भी सकते हैं। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है तो हमारी ब्लाउज़ एकदम कंप्लीट हो गई है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।